एचएल टीवी न्यूज। पूर्व बॉक्सिंग खिलाड़ी राजेश श्योराण, जिसका सपना देश के लिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग खिलाड़ी तैयार करना है, उन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए बॉक्सिंग अकेडमी खोली और बॉक्सिंग की नई पौध तैयार करने के लिए बच्चों को दिन रात अभ्यास कराने लगे। बीते 15 वर्षों से बच्चों को बॉक्सिंग सिखाने वाले खिलाड़ी राजेश श्योराण ने बताया कि बच्चे इंटरनेशनल खिलाड़ियों की तरह अभ्यास करते हैं और बच्चों की मेहनत का परिणाम ही है कि बच्चे निरंतर खेलों में मेडल जीत रहे हैं। वहीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी काफ़ी उत्साहित नजर आए। खिलाड़ियों ने बताया कि कोच राजेश श्योराण के कारण ही वह आज बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि करनाल में संपन्न हुए प्रतियोगिता में काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिला। मैं करनाल खेलने के लिए गया था और मेरा फाइनल मुकाबला करनाल के गुरजंत के साथ ही था, जिसके साथ मैं 3-4 पॉइंटों की गैप से जीता था और मैंने स्वर्ण पदक हासिल किया। बॉक्सिंग की प्लेयर हूँ और मैं 3 साल से बॉक्सिंग कर रही हूँ और अभी पिछले 1 साल पहले जो कर्नाटक में नेशनल हुई थी उसमें मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। मैं इंद्रगढ़ खेलने के लिए गया था, वहाँ पर मेरा फाइनल मुकाबला भिवानी के अभिषेक के साथ था और मैं 2 स्कोर के गैप से जीता था और मुझे स्वर्ण पदक मिला। 2-3 साल से ट्रेनिंग मेरे पास कर रहे हैं और बहुत अच्छे इनमें पोटेंशियल है, काफ़ी जोर से ट्रेनिंग कर रहे हैं और टैलेंट है इन लोगों की, इन दोनों बच्चों में टैलेंट है और पेरेंट्स काफ़ी उसको सपोर्ट कर रहे हैं और टैलेंट की वजह से बच्चे लोग आगे निकल रहे हैं। हिसार से हलचल टीवी के लिए रमेश जाखड़ की रिपोर्ट। हलचल टीवी न्यूज़।